हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए हम आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि देव उठनी एकादशी कब है, इसके व्रत के नियम क्या हैं, पूजा में क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है और इस दिन क्या हुआ होता है। तो चलिए विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। तो देव उठनी एकादशी मतलब हिंदू पंचांग के अनुसार जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान विष्णु जी योग निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि का पालनहार का दायित्व संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ ही तुलसी जी का विवाह भगवान जो शालिग्राम होते हैं उनके साथ कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रती को निर्जला या सिर्फ फल वगैरह खाकर रहना चाहिए। इस दौरान तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व होता है, उनकी पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दौरान इन बातों को खास ध्यान रखना चाहिए। विवाह के समय हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। वह है, सबसे पहले तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। गमले में प्रभु शालिग्राम को साथ में रखें और तिल चढ़ाएं। तिल अगर ऐसी नहीं हो तो उसके लड्डू भी आप चढ़ा दीजिए। तुलसी और भगवान शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा के बाद किसी भी चीज़ से आप उसके साथ मतलब किसी भी एक चीज़ से 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। मुख्य आहार के साथ ग्रहण और वितरण भी कर दें। पूजा खत्म होने पर शाम को भगवान विष्णु के से जागने का आह्वान करें। कुछ लोग जो होते हैं वो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं और कुछ लोग द्वादशी के दिन मतलब कि 5 नवंबर को कल कुछ लोग तुलसी विवाह कराएंगे। देव उठनी एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए? तो देव उठनी एकादशी के दिन जो है दान करना बहुत उत्तम होता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए और नहीं हो तो थोड़ा सा गंगा जल डाल के भी आप स्नान कर लीजिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला और या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से धन सम्मान और जो मान सम्मान होता है, धन होता है, संतान सुख के साथ मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ तुलसी विवाह में आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकीला बिछाएं, उसके ऊपर तुलसी का पौधा और शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। तुलसी माता के पौधे के साथ ही भगवान शालिग्राम जो हैं उनको रख दीजिए। दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल छिड़क कर घी का दिया लगाना चाहिए। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को दोनों को ही रोली और चंदन से टीका लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी माता मतलब तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान्यता के अनुसार माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम के स्वरूप में होता है। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है और धूमधाम से यह त्यौहार मनाया भी जाता है। एकादशी की पूजा में हमको क्या क्या सामग्री लेना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, अगर मूर्ति हो आपके पास तो आप वो रख लीजिए, चित्र हो तो आप चित्र रख लीजिए। पुष्प, नारियल, फल, फूल, फिर लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई। देवउठनी एकादशी
का जो शुभ मुहूर्त है और उसका जो समय है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देव उठानी एकादशी साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से यह सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 4 नवंबर यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी की तिथि 3 नवंबर यानी गुरुवार रात 8:51 से लग जाएगी और 4 नवंबर शुक्रवार को शाम 7:02 तक रहेगी। सूर्योदय व्यापनी होने के कारण यह जो है 4 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रबोधिनी एकादशी भी इसको कहा जाता है जैसे, तो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत भी 4 नवंबर को ही रखा जाएगा जबकि इसका पारण 5 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन करना है। देवउठनी एकादशी पर मिलता है मन चाहा वरदान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में भी ना मिल सके वो देवउठनी एकादशी के दिन आप व्रत करके प्राप्त कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको देवउठनी 11 जो है एकादशी जो है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और अब जिस तरह से हम ये पूजा करने वाले हैं, जैसी हमने तैयारी की है, वो मैं आप सबको अब दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको सारी अपनी तैयारियाँ और सब दिखाती हूँ। तो ये देखिए छत पे इन्होंने जो है मंडप बनाना चालू कर दिया है। तो गन्ने से और केले के पत्तों से सजा के हम मंडप बना रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है आज शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह हमको करना है। तो ये देखिए इन्होंने मंडप बना के रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको मंडप दिखाया उस मंडप में आज जो है भगवान के चरण बनते हैं, तो वो हम बना लेते हैं। चलिए किस तरह का आज ऐसा चौक जैसा हम और पूजाओं में बनाते हैं वैसा चौक नहीं पूरा जाता है, आज के दिन चरण बनते हैं। तो मैं आपको चौक पूरते हुए बताती हूँ कि इसमें जो है किस तरह का चौक पूरा जाता है ये देवउठनी 11 की पूजा में तुलसी विवाह में। चलिए तो इस तरह से मैंने चौक पूरना स्टार्ट कर दिया है। तो चौक में जैसे मैंने बताया आपको चरण बनाती हूँ, तो ये हम इस तरह से छुई से चूने से बना रहे हैं चरण, और उसके आजू बाजू पूरा एक चौकोर सी बाउंड्री जैसा वो बना दिया जाता है। तो ये बनाया जाता है इस तरह से आपके चौकोर मतलब चूने से और गेरू से। सुहाग के सामान में मैंने लिया है देवी तुलसी जी को पहनाने के लिए ये चुनरी, लाल चुनरी हमने ली है। उसके बाद ये जो मैंने देखे पूरा श्रृंगार का सामान है, ये पान का पत्ता रखा है पूर्णाहुति के लिए, चुनरी ये नारियल है, नारियल के बाद पूरा श्रृंगार का सामान है, चूड़ी बिंदी और कंघी और नेल पेंट है, आलता है, सिंदूर और एक ब्लाउज पीस रखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा सुहाग का सामान है। फिर ये पूजा में जो भी हमको अगरबत्ती धूप बत्ती अक्षत जो भी हमको चाहिए रहता है वो हमने बना के रखी हुई है, जोत बनाया है, कपूर रखा है। इस तरह से तुलसी जी हमने साइड में बिठा ली हैं, उन्हीं के साथ में हमने उनके पास ही शालिग्राम भगवान जी को भी बिठा दिया है, उसी में उनके गमले में उनको विराजमान करा है। फिर हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी रखा है, विष्णु भगवान जी को भी लाए हैं, लक्ष्मी जी को लेकर आए हैं और गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी को भी हम लेके आए हैं। इस तरह से चौकी पे हमने उस जो हमने चौक बनाया था उस पे हमने यहाँ पर भगवान सभी भगवानों को लाके विराजमान कर लिया है। और ये देखिए तुलसी जी में पहले से ही तुलसी जी जो चुनरी ओढ़ी हुई हैं वो तो पहनी है वो। फिर उसके बाद जो 11 दिए, जैसे कि आज है एकादशी तो 11 दिए हमने लगाने हैं आज, तो वो हम लगाएंगे। फिर बस कलश की बना रहे हैं, उसकी स्थापना करना है, तो ये कलश रखते जा रहे हैं इस तरह से अक्षत पे और सिक्के पे गौरी गणेश को बिठाएंगे। और अब हम लगा लेते हैं दिए। तो इस तरह से 11 दिए हमने रख लिए हैं, इसमें लंबी बाती डालते जा रहे हैं और फिर तेल हम उसमें डाल के इनको प्रज्वलित करेंगे जब पूजा हो करेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से सारी तैयारी हम लोगों की होती जा रही है। और इस तरह से मैंने तेल भरना चालू कर दिया है दियों में, मतलब लगभग सारी तैयारियां होती जा रही हैं। फिर भोग बनाना है, मैं नीचे जाके भोग बनाऊंगी। तो भोग में जैसे कि आज हम उपवास रखते हैं, एकादशी में व्रत रखा जाता है, अन्न नहीं खाते हैं, तो साबूदाना के बड़े और आलू की सब्जी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पूरी तैयारी कर दें फिर हम बनाए मतलब खाने का करें। पूरी पूरी पूजा की तैयारी लगाने के बाद
मैं डालूंगी रंगोली, रंगोली भी आज हमें ज़रूर डालना चाहिए। तो चलिए अब हम डाल लेते हैं सबसे पहले रंगोली। तो इस तरह से देखिए मैं रंगोली बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये भी बहुत शुभ माना जाता है, रंगोली आज के दिन भी हम डालते हैं, जैसे दिवाली में हम सभी डालते हैं उसी तरह से हम सभी के आंगन में आज के दिन रंगोली भी डलती है। इस तरह से पूरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब हम भी जाएंगे और हम भी तैयार होकर फिर पूजा के लिए आएंगे। और जो भी भोग का सामान लाना है जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भोग का सामान लेकर हम आके और फिर हम पूजा नहीं स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरी पूजा की तैयारी हम लोगों की हो गई है, जो भी तैयारी में लगता है, मंडप बन गया, चौकी बिछा के सारे भगवान बैठ गए हैं और हम लोग को भी बैठने के लिए हम लोगों ने इस तरह से आसन रख लिया है, चटाई बिछा ली है और सब हम लोगों के बैठने के लिए, और मम्मी जी के लिए कुर्सी रख ली है। मंदिर भी हमारा पूरा बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए बच्चे ऊपर आ गए हैं इस तरह से। और बस अब हम भी तैयार होके, मैं भी क्योंकि साड़ी पहनना चाहिए सुहाग की पूजाओं में, तो एक अदब सभी पूजाओं में, तो मैं बस पहन के आऊँगी। और इस तरह से भोग में हमने ये लिए हैं फल, मैं केला लिया है मैंने, केले के बाद हमने ये मिठाई ली है, मिठाई के बाद आज ये तिल के लड्डू, आज तिल के लड्डू भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए कहा जाता है। फिर ये भोग में हमने लगाया हुआ है ये साबूदाने के बड़े मैंने बनाए हुए हैं आलू मिक्स करके, और ये है आलू की सब्जी जीरा राइस से बघार के ये बनाया। तो ये है हमारा भोग का पूरा सामान, ये हम भगवान को आज भोग लगाने वाले हैं। फिर ये 11 फेरी जैसे तुलसी जी की आज हमको देना रहती है, तो 11 मूँगफली से मैं फेरी देने वाली हूँ। और चलिए अब हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, हम लोगों ने कलश इन्होंने प्रज्वलित कर लिया है और अब पूजा जो भी हम करते जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते जाते हैं। पूजा तो सभी पूजाएं एक सी रहती हैं, कलश जलाना, फिर गौरी गणेश की पूजा करके गणेश जी की पूजा करना, और उसके बाद सभी भगवान को और जिन भगवान की मेन पूजा है उनकी करना। फिर तो देखिए हम लोग जैसे जैसे करते जा रहे हैं वो हम करते हैं। तो सबसे पहले इस पूजा में हम लोग दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं क्योंकि एकादशी 11 की पूजा है, तो सबसे पहले दीप जला लेते हैं और फिर और कलश के बाद हमने दीप जलाए हैं और फिर हम अपनी और पूजा सब करते जाएंगे। फिर उसके बाद जो मैं हूँ, मैं तुलसी विवाह मतलब करा के तुलसी जी को चुनरी ओढ़ा के और सारा श्रृंगार का सामान उनको अर्पित करूंगी। शालिग्राम भगवान को केले और तिल के लड्डू हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तो वो हम चढ़ाएंगे। तो पहले यहाँ की जो चौकी की पूजा है वो हो जाए, फिर हम तुलसी जी का विवाह कराएंगे। तो चलिए जैसा जैसा भी हम करते जा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। Thank you.
अब हम लोगों की सारी पूजा पूरी पूजा संपन्न हो गई है, फेरी भी दे दिया, आरती हवन सब हो चुका है। अब जो है ये देखिए इनका, ये इन्होंने नारियल भी फोड़ लिया है, तो नारियल बहुत अच्छा निकला है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मीठा एकदम सफ़ेद। और बस सारी पूजा हो गई है और अब हम लोग जो है, वैसे आज के दिन फटाके भी फोड़े जाते हैं पर आज अमन नहीं फोड़ रहा है, आज फटाके ज़रूर फोड़ना चाहिए। हमारे घर साइड में आज पूरी दीपावली जैसा माहौल रहता है तो इस तरह से, पर हाँ चलिए आज वो नहीं फोड़ रहा, उसका मन नहीं है तो वो नहीं फोड़ रहा है। अब हम सब जगह दिया भी रख देते हैं तो चलिए हम चलते हैं और सबसे पहले जाके अपने जो घर है उसके मेन द्वार पे हम दोनों साइड दीपक रखेंगे, जो पूजा में हमने जलाए थे 11 दिया उसमें से वो 11 दिया हम मतलब कुछ भगवान के पास रख देंगे, 5 दिए अपने जो हमारी कुल देवी हैं उनके नाम से, फिर उसके बाद एक किचन में और बाहर दरवाजे पे तो हमने रख ही दिया है। इस तरह से भगवान की अच्छे से पूजा कर लेंगे। पूरे पूजा हो जाने के बाद अब फलाहार करेंगे, तो फलाहार में ये देखिए इस तरह से मैंने साबूदाना और उसमें जो है थोड़ी सी लाल मिर्च, आलू, मूंगफली जो है उसको पीस के, नमक, सेंधा नमक ये सब मिला के इस तरह से बड़े बना लिए हैं। जो मठा है वो मैंने बघार लिया है और इस तरह से आलू की जीरे राई की सब्जी बना ली है। तो ये हमारा फलाहार का पूरा सामान रेडी हो चुका है, अब मैं सेकती जा रही हूँ और धीरे धीरे सबको हम खिलाना चालू करेंगे जैसे जैसे सब बैठते जाएंगे। सभी को खिलाने के बाद मैं भी जो है फलाहार कर लूँगी और सबको गरम गरम देने के बाद मैं भी फटाक से बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में, और अगर अभी तक ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को और जो बेल आइकन है उसको रेड से ग्रे कर दीजिए, जिससे आपको हमारे जो भी वीडियो, जो ब्लॉग्स नए नए आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।